भारत के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने 6 अगस्त को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मौसम विभाग ने 6 से 8 अगस्त के बीच दिल्ली में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली के अधिकतम तापमान 31 से 34 तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहीं मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकणा और गोवा और दक्षिण गुजरात में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, सिक्किम और असम, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तटीय कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक डीप डिप्रेशन अब उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ गया है और डिप्रेशन में कमज़ोर हो गया है ये इलाका। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे कमज़ोर होकर एक गहरा निम्न दबाव बनता जा रहा है। वहीं समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका अब जैसलमेर, अजमेर, सतना, बालासोर और फिर दक्षिण पूर्वी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में पहुंच रही है। इसके अलावा ऊपर बताए गए गहरे दबाव से पूर्वी पश्चिम द्रोणिका पूर्वी असम तक फैल गई है। दक्षिण गुजरात से केरल तट तक समुद्र तल पर अपतटीय द्रोणिका बन गई है। ऐसे ही मौसम लगातार पूरे देश में खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हर जगह बाढ़ जैसे हालात भी लोगों को देखने पड़ रहे हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।